इस वेले दी खबर बेहद ही हैरान कर देने वाली ते शर्मसार कर देने वाली सामने आई है, जिथे कि समराला दे नेड़े एक टोल प्लाजा दे उत्ते एक महिला मुलाजम कामकाज करदी सीगी। इस दौरान उस महिला मुलाजम ने अपने ही इंचार्ज दे उत्ते जबर जनाह करन दे गंभीर दोष लगाए ने। दरअसल की होंदा है कि वो अपने पति दे नाल लड़के अपने पेके परिवार आके रहन लगती है। इसे दौरान ही अपने पिंड दे नेड़ले टोल प्लाजा दे उत्ते काम करके गुजारा कर रही सी। इस दौरान की होंदा है कि जदों महिला मुलाजम कामकाज करती है तो उसके इंचार्ज दे वल्लों उसके नाल छेड़छाड़ करन दी अते जबरदस्ती करन दी कोशिश की जाती है। जद वो औरत अपने पेके परिवार तो सहुरे घर चली जाती है तो उस तो बाद की होंदा है कि लगातार उस इंचार्ज दे वल्लों उस अधिकारी दे वल्लों उस महिला मुलाजम नूं तंग परेशान किया जाता है, जिस तो बाद उस महिला मुलाजम ने तंग परेशान होकर पुलिस प्रशासन नूं इह शिकायत दर्ज करवाई कि यह इंचार्ज जो अधिकारी है टोल प्लाजा दे उत्ते इसके वालों उस महिला मुलाजम के नाल जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है, जबर जनाह करने की कोशिश की गई है। पर इसे दौरान की होंदा है कि पुलिस प्रशासन के वालों उल्टा उस औरत पति और उसकी सस के उत्ते फिरौती मंगन का केस दर्ज कर दिया जाता है, जिसके इंसाफ के लिए हुण वह उत्थे दे मौजूदा विधायक के कोल पहुंची है। तो उत्थे ही विधायक के वालों एक भरोसा उसनू दवाया गया है कि उसनू जल्द तो जल्द इंसाफ जिहड़ा आ उह जरूर दवाया जाएगा। तो दस दिए कि पीड़ित जिहड़ी है कैमरे के खुद अगे सामने आई है, तो उसके वालों हर एक गल नूं पूरी तरह दस्सिया गया कि किस तरीके दे नाल घर का गुजारा तोरन के लिए अपना गुजारा तोरन के लिए वो टोल प्लाजा से कामकाज कर रही थी। पर इस दौरान ही उत्थे दे इंचार्ज के वालों उसके नाल जबरदस्ती करन की कोशिश की जाती है। जदों पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवाउंदी है तो उल्टा पुलिस के वालों ही उसके पति और उसकी सस के उत्ते फरौती मंगन का केस दर्ज कर लिया जाता है। हुण जिसके इंसाफ के लिए वह दर दर दियां ठोकरां खा रही है, पर इस दौरान ही वह इस मामले की मुड़ तो पड़ताल करन के लिए विधायक अगे गुहार लगाउंदी है। विधायक दयालपुरा दे अगे गुहार लगा के कहती है कि उसनू इंसाफ जिहड़ा वह जरूर दिता जाए। पर दूजे बन्ने ही विधायक का कहना है कि पीड़ित परिवार की गल सुनी जा रही है, तो उन्होंने अनुसार एक शातर तरीके दे नाल सब कुछ होया जापता है। उन्होंने कहना है कि पीड़ित परिवार दे नाल असीं खड़े हाँ, तो इस मामले की उच्च पदरी जाँच करवा के दुध का दुध ते पानी का पानी करके इंसाफ जरूर दवाया जाएगा। पर बेहद ही शर्मसार कर देने वाली खबर है, तो प्रशासन से भी वड्डा सवाल उठ जाता है कि किस कदर एक महिला मुलाजम पीड़ित महिला मुलाजम अपनी गुहार लैके इंसाफ की उड़ीक दे विच पुलिस प्रशासन दे कोल जांदी है, पर पुलिस प्रशासन दे वल्लों उल्टा ही उसके उत्ते अते उसके परिवार के उत्ते रिश्वत मंगन दा या कह दिए कि फरौती मंगन दा इल्जाम उसके उत्ते लगा दिता जाता है। फिलहाल की कुछ कहना विधायक दयालपुरा का, एक बार तुसीं वी सुणो। ये रमनदीप कौर भलाड़ तो ने काम कर रही थी अपना टोल प्लाजा तो उत्थे एक जतेंद्रपाल ढंडिया तो मुंडा है जिथे जी गलबात दसी है इन्होंने भी साढ़े ना धक्का होया देखने ला जो नहीं कहने मैं सुनी है देखने लगता भी बाकी इन्हों बेइंसाफी हुई है तो वो संबंध अच्छ मैं मिलना आए हैं। तो ये गल ये भी जो कुछ भी होना बनता साबित है। वो पहली गल तो है भी बड़ा देख के सुन के भी लगता भी जिस तरह इल्जामबाजी ला के कली गुड्डी नहीं नाल दी नाल सारे परिवार को उलझा के जो कुछ भी होया बड़ा मनो मन दुखी होंगे भी जो यह जे केसा च फसा देंगे ने, है ना। तो जिनी गल देखने लगती है बाकी गल है भी यदि इनकुआरी होकर जो भी सही है सच का सच सामने लैके आता जाएगा तो इन्हों जो भी इंसाफ आ बनता इंसाफ दवाया जाएगा। देखो कितने की गलतियां हुई ने देखना बनता भी किने कितने की कताई वरती है पुलिस तो यही होगी। तो दूजी गल हैगी भी कितने कितने की घाट हुई है ना ये पता लगू। आप कह नहीं सकते भी किड़े हालातों में किमें उन्होंने पर्चा दर्ज किया, क्यों जिन्ना क मैं देखिया भी इन्होंने दसन मुताबक भी जी आवाज़ आ जी वीडियो कॉलिंग आ वो भी इन्हों की है नहीं, वो बारे कोई जांच पड़ताल की नहीं प्रो पूरा धक्का ही हो गया इन्हों, जबकि जी कार्रवाई की गुड्डी दसती है भी पहला वो मेरे नाल नजायज करता रहा धक्का करता रहा भी कार्रवाई तो मैं करा गई थी। तो उल्टा सारी कहानी किस तरीके पलट के मैं तो कहूँगा भी कि छात्र तरीका की उन्होंने अपनाया जिमें इन सारे परिवार को फैमिली अपने लगभग छे महीने जेल कट गई है बेचारी ठीक है। तो बड़ा गलत होया तो यही नाल खड़े हैं असं परिवार के नाल जो कुछ भी सही है दुध का दुध तो पानी का पानी। ए टू जेड समस्या का समाधान मियाँ करीम खां, कॉल या वट्सअप करो 99150-90403। किसी भी तरह का होवे काम 11 घंटिया च फटाफट 101% समाधान, गरंटी कार्ड के नाल। काले इलम की काट साढ़े कोल,
पति पत्नी अते प्रेमी प्रेमिका वस च करवाओ, कीता कराया जादू टोना, मनचाया प्यार वशीकरण, मुठकरनी करवाओ या तुड़वाओ, नौकरी कारोबार च रुकावटा, सोतन दुश्मन तो छुटकारा, घर च खून दे छिट्टे आने, बच्चियां दा पढ़ाई च मन ना लगना, प्रेमी प्रेमिका दा 100% वशीकरण करवाओ, घर बैठे हर समस्या का समाधान सिर्फ 11 घंटे